झुंझुनू में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की एजुकेशन में अब धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट ने इस संदर्भ में आज बैठक कर फैसला लिया है कि इसके लिए अलग से एजुकेशन फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ कौम का नाम रोशन कर सकें। आज हुई फ्रंट की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। फ्रंट अध्यक्ष इंजीनियर इब्राहिम खान ने बताया कि साल में एक बार सामूहिक विवाह सम्मेलन करने, ब्लॉक स्तर पर संगठन को खड़ा करने और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट की ये मंथली मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर हम लोग आने वाले जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं हमारे वेलफेयर फ्रंट के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें मेनली एक तो हमारा वो प्रतीक्षित जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन फंड रेज करना है, जैसे गरीब बच्चे जो हायर एजुकेशन के अंदर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं या अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए फ़ंड रेज करेंगे ताकि ऐसे बच्चे जो गरीब हैं उनकी हायर एजुकेशन के अंदर मदद की जा सके। और दूसरा जो है हमारे काफ़ी जगहों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो कंसेप्ट है वो है, जिसमें गरीब बच्चियों की शादी जो है बहुत नॉमिनल खर्चे में या बिल्कुल खर्चा नहीं होता ऐसे की जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट झुंझुनू ज़िले में डेवलप करने के लिए भी हमारा एक सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाने का इरादा है, जो कि वेलफेयर फ्रंट के हर साल के प्रोग्राम में शामिल होगा, ताकि गरीब बच्चियाँ जो है पैसे की वजह से जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही उनकी शादियाँ हो सकें। एक दो और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए और एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए जो होने हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी और चर्चा करके उनको क्रियान्वित किया जाएगा। और उसके अलावा पूरे जिले स्तर के अंदर ब्लॉक लेवल पे हमारी जो कार्यकारिणी बननी है उसके बारे में भी डिस्कशन किया।